मुख्यमंत्री गहलोत आज वागड़ मेवाड़ के दौरे पर हैं। आज सुबह 10:30 बजे जयपुर से रवाना होंगे। सीएम अशोक गहलोत दोपहर 12 बजे बागीदौरा में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे योगेश जी। देखिए, आज विश्व आदिवासी दिवस पूरा विश्व मना रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वागड़ और मेवाड़ के दौरे पर है, और क्या उनके कार्यक्रम रहेंगे आज महत्वपूर्ण? देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत करीब 11:15 के लगभग उनके पहुंचने का है उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट, और उसके बाद उदयपुर के बाद मानगढ़ जाने का जो कार्यक्रम है, क्योंकि आज वागड़ और मेवाड़ की धरा पर अशोक गहलोत होंगे। साथ में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम पर आने का अर्थ ये है कि उस धरती को नमन करना जहां पर आदिवासियों ने आजादी की लड़ाई में अपनी आहुति दी थी, और साथ ही गोविंद गुरु को याद करना, महान क्रांतिकारी, आदिवासियों के प्राथमिक स्मरणीय भी कहे जाते हैं। और साथ ही ये वो धाम है जिसका अपने आप में ना केवल राजस्थान बल्कि देश के समस्त आदिवासियों के बीच में अपना एक महत्व है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, तीन राज्यों के बीच में स्थित मानगढ़ धाम कहा जा सकता है कि आदिवासियों की, वनवासियों की आराध्य स्थली है। और मानगढ़ को लेकर चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो, सभी ने मानगढ़ धाम के विकास में अपना योगदान दिया। पैनोरमा के निर्माण किए गए, आज भी मुख्यमंत्री गहलोत वहाँ कई कार्यक्रमों की आधारशिला रखेंगे। कहा जा सकता है कि मेवाड़ और वागड़ का ये दौरा अपने आप में कई मायने रखता है। अशोक गहलोत के इस दौरे से इस धरती पर जो राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है ट्राइबल वर्ग के बीच, वो भी अहम रहेगा, क्योंकि आज आदिवासी दिवस है और आज ही के दिन मानगढ़ से जो संदेश दिया जाएगा उसकी गूंज चारों ओर सुनाई देगी। तो कहा जा सकता है अशोक गहलोत करीब 12:15-12:30 तक उनका प्रस्तावित कार्यक्रम बताया जा रहा है मानगढ़ धाम पहुंचने का, और आज मानगढ़ के बाद वल्लभ नगर के भिंडर भी उनके जाने का कार्यक्रम है, रात को उदयपुर में उनके विश्राम का कार्यक्रम है। कल से मुख्यमंत्री गहलोत गुजरात के कार्यक्रम जो प्रभारी के नाते गुजरात के पूरे कोऑर्डिनेशन का दायित्व चुनाव का उनको दिया जाए, तो कहा जा सकता है कि एक तरह से ये पूरी जो यात्रा है मेवाड़ और वागड़ की अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहेगी। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी तमाम जानकारी के लिए।